ओके तो कल का टॉपिक कौन आगे शुभम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देखिए, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि स्मार्ट मनी जो है उनके जो बाइंग जोन्स है वो है लोअर लेवल पर, एंड लोअर लेवल मीन्स जो सपोर्ट है या डिमांड जोन है, दैट मीन्स ये लोअर लेवल है जहां से प्राइस ने एक मोमेंट स्टार्ट किया। ध्यान रखना, एक मोमेंट स्टार्ट किया वो बोलते हैं, मैं उस लोअर लेवल की बात करता हूँ, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है और सपोर्ट जैसे कल आपको बताया था कि अपर लेवल पर है। अब मैं ये सपोर्ट एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है, ठीक है। और ये लेवल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता चल जाएगा ये मेरे लिए एक बाइंग जोन है, ठीक है। ये तीनों जो है वो मेरे लिए बाइंग जोन है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर क्या है, बट ये बाइंग जोन है। जब भी प्राइस वहां पर आएगा मैं बाय करूंगा, राइट। अब ये जो चीज मैंने टाइम फ्रेम की बात अगर करता हूं मैं, तो 1 डे की भी यूज करूंगा, 1 वीक भी कर सकता हूँ, 1 मंथ भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि किस ट्रेडिंग सिस्टम्स क्या है आपके, है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म मिड टर्म हो तो आप 1 वीक 1 मंथ करके आप सेम चीज को आप ढूंढ सकते हो, यानी सपोर्ट एंड डिमांड जोन जो ढूंढ सकते हो आप, ठीक है। या 1 डे करके भी आप उस चीज को ढूंढ सकते हो। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ 3 4 दिन 1 वीक के बेसिस पर, तो आप 1 आवर के बेसिस पर या 1 डे के बेसिस पर भी आप ढूंढ सकते हो, राइट। अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूँ या बैंक निफ्टी निफ्टी या किसी इक्विटी स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे करने हैं मुझे या कमोडिटी, दैट मीन्स एक शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे करनी है आपको, तो आप सेम चीज 1 डे में भी ढूंढ सकते हो, 1 आवर में भी ढूंढ सकते हो, 15 मिनट के भी ढूंढ सकते हो, 30 मिनट ढूंढ सकते हो। टाइम फ्रेम के कोई लिमिटेशंस नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में आप सुइटेबल हो। कई लोग क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप वो चीज ढूंढते हैं, आप ढूंढ सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है ना कि नहीं आपको 5 मिनट पे ही ढूंढना है, 30 मिनट पे ढूंढना है। कई लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में करते हैं। कहने का मतलब आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है आप करिए, बट एक जनरल मतलब जो प्रोसीजर्स ये है कि अगर आपने पोजीशन लेते हो तो 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के बेसिस पर ढूंढ सकते हो। इंट्राडे है तो 15 मिनट 30 मिनट या जो आपके क्या नाम है 1 आवर के बेसिस पर भी ढूंढ सकते हो, ये जनरल चलता है, बट आप किसी भी टाइम फ्रेम में उसके यूज कर सकते हो। तो मेन पॉइंट ये है कि ये पॉइंट मुझे ढूंढना है, ठीक है, ये पॉइंट ढूंढना है, ये मेरा पहला स्टेप है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये ढूंढने के लिए कुछ पैरामीटर्स है, कुछ कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट को आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ये क्लियर हो चुका है कि सप्लाई या सपोर्ट एंड डिमांड जोन की इंपॉर्टेंस, मुझे ये पता चल गया कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मुझे ये चीज ढूंढनी है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने सपोर्ट है, एक मिनट पॉइंटर नहीं आएगा, ये जो अपने सपोर्ट है या डिमांड जोन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली अपने सप्लाई जोन या जो अपने रेजिस्टेंस है ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑडियो नहीं आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही क्या? अरे सर हाँ ओके ओके आ रही है, अरे ठीक है सर आ रही है ओके। सर तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये है कि इसको फाइंड आउट कैसे करने हैं। फाइंड आउट करने के तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज बता दिया, अब डिस्क्राइब करूंगा एक एक चीज को। जो सबसे जो कन्वेंशनल मेथड है डिमांड एंड सप्लाई जोन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, जो एक मतलब ये मान के चलो जो अपने कॉमन मेथड्स है, ठीक है, जो कन्वेंशनल तरीका है वो है कि किस एरिया से रिजेक्ट हो रहा है बार बार या कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है वो चीज है। दैट मीन्स उसको आप स्विंग भी आप कंसिडर कर सकते हो, स्विंग, ठीक है। मैं यहाँ पर देख ध्यान से सुनना, मैं डिमांड जोन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो पॉइंट है सपोर्ट की बात करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। डिमांड जोन उसका नीचे होगा, ठीक है, और सप्लाई जोन रेजिस्टेंस के ऊपर होगा ये चीज, या थोड़ा नीचे हो सकता है। सप्लाई जोन में नहीं है, यहाँ पर मेन मुद्दा है कि डिमांड जोन है, अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मैं यहाँ पर डिमांड जोन की बात नहीं कर रहा हूँ। डिमांड जोन के कॉन्सेप्ट बाद में आएंगे, जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना समझ में आ जाएगा तब आपको उसके बाद डिमांड जोन आएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का जो पहला जो तरीका है जो कन्वेंशनल है वो है क्या है, कहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है या कहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पर रिजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक अपसाइड से रिजेक्शन हो सकता है और डाउनसाइड से रिजेक्शन हो सकता है। डाउनसाइड के रिजेक्शन को बोलते हैं अपन सपोर्ट है, और अपसाइड के जो रिजेक्शन है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस है, नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ये कहां से ले रहा है, ये टेक्निक है, इसको आपने स्विंग हाई या स्विंग लो में भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब स्विंग हाई में से कौन से स्विंग इंपॉर्टेंट है, कौन से स्विंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे बाद में, बट ये पॉइंट वाइज आपको लिखवा दिया और उसके बाद एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करेंगे अलग तरीके से।
थर्ड है कि यूजिंग वॉल्यूम पैटर्न, कुछ फॉर्मेशन से वॉल्यूम के जो बार्स होते हैं उनके कुछ कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर भी आप निकाल सकते हैं कि कहाँ पर सप्लाई जोन है या डिमांड है या सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, ये चीज भी आप निकाल सकते हैं। जो लास्ट वन है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मेथड। जो लास्ट जो बैच के अंदर फिबोनाची के बताया था, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुछ रीजन की वजह से उसको डिसकंटिन्यू में पोस्टपोन करना पड़ा, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जहां तक हुआ था उसके आगे भी और भी बहुत सारे मेथड से कुछ टेक्निक से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को और बढ़िया तरीका से यूज कर सकते थे। यानी जितना आप लोगों को बताया था फर्स्ट बैच के अंदर, ये मानकर चलो और भी बहुत सारे मेथड से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हो आप, तो वो भी इस क्लास में, मतलब इस बार को ग्रुप को फिल्टर किया तो थोड़ा सा इस बार भी आपको सारी चीज आपको मिलेगी। तो ये है लास्ट ऑप्शन, ये थोड़ा एडवांस में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर, कौन आया अभी, राधेश जी, ठीक है। तो अब क्लियर है ये चारों पॉइंट्स है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं, जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं मैं कि भाई रिजेक्शन चाहिए मुझे या स्विंग हाई वॉल्यूम चाहिए, तो सबसे पहले इस पे बात करता हूं रिजेक्शन। तो रिजेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी पहला पॉइंट क्या होता है। तो पहला पॉइंट को समझाने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और जो नए लोग हैं जिनको नहीं आता, समझ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट के बेसिक चीजें, तो उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ये जो आपने देख रहे हो कि यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जो रेजिस्टेंस जो जिसकी बात कर रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था बेसिकली, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ छोटा सा एग्जाम्पल देकर। मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ध्यान से सुनना, ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ओपन यहाँ पे होता है, ओपन यहाँ होने के बाद थोड़ा सा मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, ओपन यहाँ पे हुआ, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ओपन होता है कोई भी प्राइस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ऊपर गया, राइट, ऊपर गया और यहां जाके उसने क्लोज हो गया। अब मैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं तो होगा क्या कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद 5 मिनट तक वो अप डाउन करेगा, और करने के बाद यहां मान के चलो उसने क्लोज हो गया, ठीक है। 5 मिनट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट 5 मिनट पे फिर दूसरी कैंडल बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ जो लेवल है जहां से ओपन होता है, ये प्राइस में एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 500 है ओपनिंग प्राइस, यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद ऊपर की तरफ गया और क्लोज हुआ, तो ऊपर की तरफ गया तो पॉजिटिव है। तो 500 पे अगर ओपन होता है तो फॉर एग्जाम्पल उसने क्लोज हुआ है 510 पे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल 510 पे क्लोज हुआ, ठीक है। कुछ इस तरह हो सकता है, या तो कुछ इस तरह हो सकता है कि यहां पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद 510 से ऊपर गया, ध्यान से सुनना, 510 के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर उसने नीचे आके क्लोज दिया, यानी 510 पे क्लोज दिया। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि प्राइस यहां से ओपन होता है, ओपन होने के बाद ऊपर गया, 510 के ऊपर गया, जहां तक गया ये लेवल तक, यहां तक गया था और उसके बाद नीचे आके क्लोज दे दिया, क्लियर है ना, ये क्लियर, ओके। दैट मींस ये मेरा हो गया, yes, sir. ये मेरा हो गया ओपन प्राइस, और हाई कितना लगाया था, यानी कहां तक गया था, 513 मान लो आप, और उसके बाद नीचे आके क्लोज दे दिया उसने 510, ठीक है। तो सिमिलरली ये यहां पर ओपन होके नीचे भी तो आ सकता है, तो नीचे अगर गया है तो मान के चलो ये 498 तक गया है, तो ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो पॉइंट है, मैं उसका तो मार्किंग करता हूं, ये मेरे लिए क्या है, ओपनिंग प्राइस, ये क्या है, जो हाई गया था, और ये क्या है, यहां पर हाई जाने के बाद नीचे के क्लोज दे दिया, एंड नीचे की तरफ क्या है, ये लो है, इसका मतलब प्राइस यहां पर ओपन हुआ, नीचे गया, एक लो लगाया था और उसके बाद ऊपर चला गया, उसके बाद एक हाई लगाया था एंड उसके बाद नीचे आके क्लोज दे दिया, ठीक है। तो यहां से वैसे तो ये कैंडल आपको सिंपल दिख रही है कि हाँ ये चीज है, बट इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, लॉजिक क्या है, वो जानना जरूरी है। सिर्फ कैंडल बन गई, हाँ ये तो ग्रीन कैंडल है ऊपर की तरफ, इसको बोलते वीक्स है ना, जिनको नहीं पता उसको बोलते वीक्स, या आप शेडो बोलो आप, तो ये तो नॉर्मल है, हाँ इस तरह कैंडल हमेशा बनती है, इसमें क्या है, बट साइकोलॉजी इसके पीछे समझिए आप। तो मैं अगर इस टाइप के कैंडल अगर बनाता हूं या इस तरह बनती है, मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं ये, ठीक है, एंड अपसाइड में क्या है, अपसाइड के वीक्स है, जो आपको बताया था अभी वीक्स है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है जब प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे जाता है प्राइस, और इस पार्टिकुलर एरिया पे बायर्स बैठे हुए हैं, ध्यान से सुनना, पार्टिकुलर एरिया पे कौन बैठा हुआ है, बायर्स बैठा हुआ है,
जो लोग ऑर्डर प्लेस करके रखे थे 498 के प्राइस पर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 498 के प्राइस पर ऑर्डर उन्होंने प्लेस करके रखे थे, प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, 500 पे, है ना, 500 प्राइस पे प्राइस ने ओपन दिया था, बट वो नीचे गया तो इस पार्टिकुलर जोन के अंदर बायर्स लोगों ने, जो बड़े प्लेयर है, इन्होंने ऑर्डर प्लेस करके रखे थे 498 का, और उसके बाद नीचे की तरफ आया और उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जो गया है तो जो वो ऊपर यहां तक गया है, यहां पे बैठे हुए थे सेलर्स लोग, यहां पे कौन बैठे हुए थे, सेलर्स लोग, 513 के प्राइस पर बैठे हुए थे सेलर्स लोग, ठीक है। अब जब ऊपर की तरफ गया तो उनके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, वो प्राइस नीचे आके क्लोज दे दिया 510 पे। दैट मींस इस कैंडल से मैं ये डिसाइड कर सकता हूं, ये जो कोई भी कैंडल है उसके जो हाई है, जो हाई है वहां पे कौन बैठा हुआ है, सेलर्स, और जो कैंडल के जो लो है वहां पे कौन बैठा हुआ है, बायर्स। एक नॉर्मल है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर इस तरह विक्स नहीं है, इस तरह एक लाइन जिसे मानते, जो फर्स्ट कैंडल के अंदर यहां पर क्या है, जहां पे ओपन हुआ वहीं से प्राइस चला गया, नीचे की तरफ नहीं आया, देख रहे हो, नीचे की तरफ नहीं आया। दैट मींस मेरा बायर्स यहां पे बैठे हुए थे और ऊपर गया था, और ऊपर भी नहीं गया, जहां पे ऊपर गया था वहीं पे उसने क्लोज दे दिया। दैट मींस यहां पे सेलर इतना स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स है बट उतना स्ट्रांग नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनती है ये बाइंग कैंडल है, नहीं ये बाइंग कैंडल नहीं है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है बट वो बाइंग कैंडल नहीं है। बाइंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि सब लोग, यानी यहाँ पे बाई हुई है, तो बाई हमेशा ये नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, कोई लोग बाई कर रहा है तो कोई लोग सेल भी तो कर रहे होंगे ना, दैट मींस बायर्स इज इक्वल टू हमेशा सेलर्स होंगे। यानी ये जो ग्रीन कैंडल है, जब मैं बताया था कि 500 पे बाई किए तो ऊपर चला गया था, तो जो लोग बाई कर रहे थे तो बाई कर रहे थे तो कुछ लोग सेल भी तो कर रहे होंगे ना, यानी जितने इक्वल क्वांटिटी पे अगर बाई कर रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी पे सेल भी कर रहे होंगे, तो फिर उसको बायर्स कैंडल कैसे बोलेंगे, उसको बायर्स कैंडल नहीं बोलेंगे। बट तो फिर ये ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, ग्रीन कैंडल इसलिए बनती है कि यहां पर एग्रेसिव बाइंग हो रही थी। अब एग्रेसिव बाइंग क्या है, एग्रेसिव बाइंग ये है कि मान के चलो कोई SBI है, ठीक है, 500 के प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है। अब आपको लगता है SBI ने ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया, बुलिश है, मार्केट सेंटीमेंट बहुत बढ़िया है, अब SBI जो 500 से 520 भाग जाएगा, लग रहा है आपको, सबको लग रहा है मार्केट भाग रहा है, अब इस तरह प्राइस बढ़ रहा है 500, 501, 2, 503, 504, और आपको बाई करना है, तो आप उस जगह पे अगर आप ऑर्डर लगा के बैठते हो कि नहीं प्राइस पहुंच चुका है 505 है, और अभी मैं एक काम करता हूँ 505 पे मैं लिमिट ऑर्डर लगा के बैठता हूँ, तो आपने लगाते लगाते 506 पहुंच गया, तो आपका क्या ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 505 पे, होगा क्या, नहीं होगा सर, नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपके हाथ से निकल जाएगा, तो अगर आपके हाथ से निकल जाता है तो फिर आपके तो हाथ में आएगा नहीं, फिर वो क्या है 520 करके निकल जाएगा, तो उस टाइम क्या करते हो, आपको पता है कि भागेगा श्योर शॉट ये 520 तक जाएगा, तो मुझे किसी भी हालत में मुझे बाई करना है, किसी भी हालत में किसी भी प्राइस पे मुझे बाई करना है, क्योंकि 520 तक ये जाना चाहिए, श्योर है। तो आप क्या करोगे, मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करोगे ऑर्डर, यानी मार्केट प्राइस पे आप इमीडिएटली बाई करोगे, आप ये नहीं देखोगे प्राइस क्या है, तुरंत इमीडिएटली जो प्राइस मिल रहा है बाई करोगे। ये जो मार्केट ऑर्डर पे जो बाई जो करते हैं ना लोग, इसको बोलते हैं एग्रेसिव बाइंग, और इस एग्रेसिव बाइंग के वजह से ये ग्रीन कैंडल बनती है, जो ग्रीन कैंडल बनती है वो ड्यू टू एग्रेसिव बाइंग, इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है। सिमिलरली अगर रेड कैंडल है तो वहां पर अपोजिट होगा एग्रेसिव सेलिंग, यानी मार्केट गिर रहा है, आपको पता है गिर जाएगा, कोरोना के पीरियड है, कुछ भी गिरेगा, जो प्राइस मिलता है इमीडिएटली आपने निकालते हो, एग्जिट करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि मैं वहां पर ऑर्डर लगा के बैठता हूं। फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, आपने कोई स्ट्राइक प्राइस दिया, आपने 300 पे लिया हो, ठीक है, वो 350 चला गया, आप सोचो कि और जाएगा तो बाद में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, और उसके बाद एक झटके से नीचे आता है 350 के बाद 340, 30, 20, आप देखो कह रहे हैं तो लॉस हो जाएगा, मैं इमीडिएटली निकालता हूँ। मार्केट प्राइस पे जो प्राइस पे मिलता है उसी प्राइस पे निकालते हो, तो इसको बोलते हैं एग्रेसिव सेलिंग। तो एग्रेसिव सेलिंग की वजह से बनती है रेड कैंडल, ठीक है। तो अब मैंने यहां तक तो समझ में आ चुका है। तो आप जो मैं जो बोल रहा था आप लोगों को कि एक ग्रीन कैंडल जो बनती है इसके जो हाई होती है, जो विक्स की बता रहा हूं मैं आपको, इस हाई का मतलब है यहां पर कौन बैठा हुआ, यहां पर सेलर्स बैठे हुए, ठीक है, और यहां पर कौन बैठा हुआ, यहां पर मेरे बैठे हुए बायर्स लोग, ठीक है। सिमिलरली अगर रेड कैंडल बनती है, ध्यान से सुनना, जब रेड कैंडल बनती है तो इसके भी विक्स होंगे, इसके भी कुछ लाइंस वगैरह होती है ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहां से प्राइस, देखिए यहां से प्राइस ने ओपन होता है, रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, यहां प्राइस ओपन होता है, रेड कैंडल कैसे बनती है, प्राइस यहां पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद धराम करके नीचे गिर गया और यहां के क्लोज दे दिया,
तो ओपनिंग कहाँ गई रेड कैंडल की? ओपनिंग होती है कहां पर? ऊपर की साइड में, यानी ये ओपन है। और क्लोजिंग कहां दे दी उसने? नीचे की तरफ। तो ये क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग है और ये उसका हाई है और ये उसका लो है। तो यहां जब ओपन होने के बाद नीचे गिरता है, दैट मींस यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर सेलर्स बैठे हुए हैं। और यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पे अगर बायर्स बैठे हुए, अगर बाई किया तभी तो उस कैंडल को ऊपर की तरफ यहां पे आके क्लोजिंग दे दिए। अगर बायर्स यहां पे नहीं होते तो इस टाइप की कैंडल बनती, ऐसे कैंडल बनती, जहां पे गिरा वहीं पे रुक गया, यहां पे नीचे आया और यहां पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते, उसके बाद थोड़ा बाई करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिए, है ना? दैट मींस यहां पर बायर बैठे हुए थे। क्लियर? तो यस सर, एक डाउट था, बोलिए सर। जैसे ऊपर सेलर सेल ऑर्डर डाला तो हाँ। नीचे तब तक नीचे जाता रहेगा जब तक बायर एक्टिव नहीं होगा? बाय नहीं, एग्रेसिव। यहाँ पर फिर वही बात, एग्रेसिव की बात कर रहा हूँ। बायर सेलर दोनों सेम है, एग्रेसिव बायर्स नहीं आएंगे तो फिर वो चलता रहेगा नीचे। अब आपको नहीं पता मतलब कि कहाँ पे एग्रेसिव बायर आएंगे। ओ सर, मतलब अगर विक्स से बॉडी तक का जो गैप है वहां पे एग्रेसिव बाइंग भी ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये पूरे एग्रेसिव बाइंग है, ये भी एग्रेसिव सेलिंग है। और यहाँ पर ये जो वीक्स के जोन है, ये अपने एग्रेसिव बाइंग हुई है और जितने क्वांटिटी में बाइंग हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, ये भी ध्यान रखना, उस 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, उस 5 मिनट के टाइम के अंदर जो एग्रेसिव बाइंग लास्ट के टाइम पर हुआ था वो उतना ही होगा, ठीक है? और ऊपर से जो सेलिंग हुई थी वो एग्रेसिव सेलिंग थी, मतलब उसकी जो स्पीड थी बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कैंडल के जो साइज है इसके साथ हमेशा आप ये मत सोचिए कि कैंडल बन गई तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये नहीं है। रीजन क्या है, देखिए वहां पर फर्क क्या है। मान के चलो ये कैंडल बनने स्टार्ट हुए थे करीबन, मान के चलो 9:30, ओके, ये कैंडल बनने स्टार्ट हुए थे 9:30 को, 9:30 को नीचे की तरफ गिरा, धीरे 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 गिरता गया, यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ था, 9:34 हो गया। अब कितना मिनट बचा है? 5 मिनट होने थे, 1 मिनट बचे हुए ना, यानी इस कैंडल को, यानी नेक्स्ट कैंडल बनने से पहले आप कितना टाइम बचा हुआ है? 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा हुआ है। उस 1 मिनट के अंदर मान के चलो कि बायर्स यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग देने के बाद इस टाइप की कैंडल बनती है, ध्यान से सुनना, इस टाइप की बनती है। तो क्या उसके बाद तो 9:35 हो गया ना, अब उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बनने स्टार्ट हो गई, तो क्या आप उस 1 मिनट पे आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है? नहीं सर। आप लोजिक को समझिए, आप मैं किस लिए बोल रहा हूँ लॉजिक को, कि आप 1 मिनट पे ये डिसाइड कर तो यार यार यहाँ पर बायर्स कम थे यार, बायर्स नहीं है यार, क्योंकि ज्यादा ऊपर नहीं गया। आप क्या डिसाइड कर सकते हो ये चीज? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था, उसके पास टाइम ही नहीं था। हो सकता है कि 9:35 में 35 को बायर्स आए थे और 35 के बाद 36 में भी बायर्स अभी भी एक्टिव थे, तो नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेगी? यहाँ पे ओपन होगा और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, समझ रहे हो? यस सर, पॉइंट को समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं मैं? यानी ये जो आपने जो देख रहे हो सिर्फ कैंडल के बॉडी को या विक्स को देखते हुए ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर बायर्स कम है, जो नो डाउट यहाँ पर बायर्स कम दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है आपको, एरिया छोटा दिख रहा है, बट ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये बायर्स कम है क्योंकि टाइम हो चुका है। क्योंकि टाइम होने के बाद कैंडल फिर नेक्स्ट कैंडल यहां जाके बनेगी ना, अगर उसके पास टाइम होता तो अगर ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज देती, समझ रहे हो चीजों को? अगर उसके पास टाइम होता तो कैसे बनती? मान के चलो मैं दोबारा क्लियर समझाता हूँ, शायद समझ भी नहीं आया होगा। नहीं सर, क्लियर है। मान के चलो यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, ओपन के प्राइस क्या है? ओपन के प्राइस मान के चलो कि 9:30 पे स्टार्ट हुआ है, ओपन होने के बाद ये क्या हुआ, नीचे आया, ध्यान से सुनना आप, नीचे यहां तक आ चुका है, नीचे आने के बाद टाइम क्या हो गया, 9:34, ठीक है। अब उसके बाद 1 मिनट बचा है, ध्यान रखना ये प्राइस कहां तक आया हुआ है, मैंने यहां पर मार्किंग तो कर नहीं पाऊंगा, ये हट जाएगा ये, ठीक है, यहां तक आया हुआ है। चलो मैं एक काम कर मार्किंग कर लेता हूं यहां पर, ये एक रेफरेंस लेवल है मेरा, ठीक है, समझाने के लिए और कुछ नहीं। तो प्राइस ने क्या किया, यहां तक आया, 9:34 हो गया, 1 मिनट बचा हुआ है, अब धीरे 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 ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, यहाँ के क्लोज दे दिया, अब हो गया 9:35 हो गया, कंप्लीट हो चुका है 5 मिनट का, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल बनने स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ कहीं बनेगी, यानी ये कंप्लीट हो गई कैंडल। तो इस कैंडल के जो वीक्स है ये देखने से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, अरे यार ये तो वीक्स काफी छोटे है, इसको बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ ये, इसको बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे क्योंकि ये हेमर कैंडल टाइप का नहीं है। चीजों को समझिए आप, ये हेमर टाइप का नहीं दिख रहा है, ये आपके वीक छोटी है ना,
इसका मतलब ये इतना बुलिश नहीं है, तो क्या मैं इस कैंडल को, सिर्फ इस कैंडल के विक्स को, इस जोन को देखते हुए क्या मैं डिसाइड करूंगा कि ये बायस ज्यादा नहीं है? क्या मैं डिसाइड कर सकता हूं? क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, टाइम हो चुका था। अगर मान के चलो यहां पर ओपन होता है 9:30 को और उसके बाद नीचे जाता है और जाते जाते मान के चलो तेजी से गिरा, ध्यान से सुनना, अब वो तेजी से गिरा, पहले वो कितना तक गिरा था, वो यहां तक कितना टाइम हो गया था? 9:34 है ना, 9:30 जब यहां तक पहुंचा था इस लेवल तक 9:34 हो गया था। इस बार मान के चलो तेजी से गिरा और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद टाइम हो गया था 9:32, अब कितना हुआ है 9:32, अब यहां से क्या हुआ 9:35 पे। अब आप क्या बोलोगे, यारे यार ये तो बहुत ज्यादा बायस थे यार, है ना, सिर्फ कैंडल को देखते हो क्या बोलोगे, यार बहुत ज्यादा बायस है यार, ये उतना बायस उसके अंदर नहीं है, तो क्या ये सही है कि इसको आप सही जस्टिफाई कर पाओगे आप कैंडल को देखते हुए? नहीं सर, इसलिए नहीं है, बिल्कुल इसके पास टाइम नहीं था, इसके पास टाइम नहीं था। तो इस कैंडल को नो डाउट हेमर कैंडल बन गई है, बट इसके बेसिस पर आप ये नहीं बोलोगे कि भाई टाइम इसके पास इससे ज्यादा हो गया था क्योंकि तेजी से गिरा था, यहाँ पे गिरते गिरते उसके पास टाइम बचा हुआ था उसके पास रिटर्न करने के लिए, इसके पास टाइम नहीं था, समझ रहे हो? तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, दो अलग अलग सिनेरियो है। अब उसके बाद पहले सिनेरियो में यहाँ पर ओपन होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ। अगर सही में यहाँ पे ओपन होने के बाद सही में अगर बायर उसके अंदर होते तो प्राइस को कैसे मूव करके जाता अपसाइड? क्लियर सर, चीजों को समझिए आप, ये कोई नहीं बताएगा जो आज मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, इसलिए समझिए, लॉजिक को समझिए कैंडल के पीछे की बैकग्राउंड के पीछे क्या लॉजिक है। तो अगर सही में जैसे मैंने बताया था इसको सिर्फ वीक्स को देखते हुए ये डिसाइड नहीं कर पाओगे आप कि यहां पर बायर्स कम थे, ये डिसाइड आपको करना नहीं चाहिए, जजमेंट सही नहीं है। रीजन क्या है कि उसके पास टाइम नहीं था। तो अगर सही में ये कैंडल बुलिश है, सही में इस पार्टिकुलर जोन के अंदर बायर्स थे, ध्यान रखना इस पार्टिकुलर जोन के अंदर सही में बायर्स एक्टिव थे, तो नेक्स्ट कैंडल जब बनने लग जाएगी 9:35 पे यहां पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद क्या होगा अगर सही में बायर्स थे उसके अंदर तो क्या होगा? कॉलम के साथ ऊपर ऊपर की तरफ निकलेगा, यस ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है, वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा। That means सिंगल वन कैंडल को देखते हुए मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि ये एक जबरदस्त सेलिंग हुई है, इसके पीछे बायर्स कम थे या इसके पीछे बायर ज्यादा थे, सिर्फ एक ही कैंडल को देखते हुए मैं ये जज नहीं कर सकता। अगर करोगे तो फिर गलत हो जाओगे, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको जो नेक्स्ट कैंडल की जो पोजिशन है, नेक्स्ट कैंडल की जो पोजीशन है, नेक्स्ट कैंडल के लोअर की हाई यानी नेक्स्ट कैंडल के जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करके आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं, जो हमने प्रीवियस कैंडल के अंदर जो सिचुएशन बना था वो सही में उसके अंदर बायर्स है या नहीं, वो आपको कन्फर्म हो जाएगा, यानी आपको सेकंड कैंडल में कन्फर्म हो जाएगा, पहले एक कैंडल को देखते हुए कन्फर्म आप नहीं कर सकते हो। क्लियर जी सर? अब लॉजिक समझ में आ गया सबको? यस सर। आप बोलिए क्या डाउट है, बोलिए पूछिए। सर ये कैंडल आपने जो बताया वो किसी भी टाइम हो सकते हैं ना, किसी भी टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम कोई यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं सर, पूरे दिन के टाइम में किसी कौन से भी टाइम में, कभी भी मैं कभी भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कैंडल बनती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है कि कोई कैंडल बनती है तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज कि अब जैसे मान के तो ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनती है और उसके बाद नीचे आ रही है और उसके बाद इस तरह की कैंडल बन गई है, अभी जो समझा रहा था आपको बायर्स एंड सेलर्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पर वो चीज समझिए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बताया था यहाँ पर सेलर है और मैंने ये बताया था आपको यहाँ पर बायर्स थे, तो ध्यान रखना इस टाइप के कैंडल जो है इसके लिए मेरा ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल और ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि ये उसी जोन से बायर्स एक्टिवेट हुए थे, राइट?
नीचे से सपोर्ट किया है, वही तो मतलब है ना, क्योंकि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे और नीचे को नीचे से सपोर्ट करके ऊपर की तरफ ले जाके उसको क्लोजिंग दे दिया। यानी ये जो वीक्स वाला जोन है, ये जो वीक्स वाला जोन है, ये बायर्स जोन कह सकते हो आप। और सिमिलरली उसका ऑपोजिट क्या होगा, ये जो जोन है ये कौन सा जोन हो जाएगा, सेलर जोन, सेलर जोन हो जाएगा। तो मेरे लिए कोई भी एक कैंडल के ये दो जोन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अगर बोलता हूं, अगर जोन की बात करो तो दो जोन इंपॉर्टेंट है, अगर सिंगल लाइन की बात करोगे तो एक लेवल ये निकल के आता है हाई, और एक लेवल आता है ये वाला क्लोजिंग, और नीचे वाला ये ओपनिंग, और उसके बाद ये लो। ये तीन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाई और ये है अपनी क्लोजिंग, ये चार लेवल इंपॉर्टेंट है। और जोन वाइज अगर बात करता हो तो अपर साइड वाला जोन और लोअर साइड वाला जोन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर रेड कर्नल की बात करूंगा तो उसका क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये रेड कर्नल है। अब मैं सेलर जोन कौन सा होगा, ये पूरा जोन, बायर जोन ये पूरा जोन। ठीक है, अगर मैं लेवल की बात करता हूं तो ये कौन सा लेवल है, ये हाई है, और ये कौन सा है, कौन बताएगा, लो, लो ओपनिंग है, ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ओपन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लोज है, close ये पे क्या है, ये अपने लो है। तो ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस के बाद, जैसे आपको बताया था कि ये सेलर जोन है, ये सेलर जोन है, ये बायर जोन है, और ये बायर जोन है। तो जो स्मार्ट मनी के जो कल हमने आपको बताया था कि बाई कहाँ करते हैं बड़े प्लेयर, अब यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल है। जब ये बाइंग जोन आपको बोल दिया है, दैट मींस ये डिमांड जोन या सपोर्ट कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ, यस सर, डिमांड जोन कह सकता हूँ या तो मैं सपोर्ट कह सकता हूँ। सिमिलरली क्योंकि लोअर जोन है ना, ये बायर जोन है, बायर जोन है, दैट मींस ये सपोर्ट है, तो इसको मैं, इस जोन को मैं क्या कह सकता हूँ, सपोर्ट जोन, ये सपोर्ट जोन है, लेवल नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जोन क्रिएट किया, एरिया बनाया था। ये कौन सा जोन है, रेजिस्टेंस जोन, ये कौन सा जोन है, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब मैं अगर बोलता हूं इन चारों लेवल जो है, हाई, क्लोज, ओपन, लो, ये तो जोन तो मुझे क्लियर है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है। मैं अगर बात करता हूं, नहीं, मुझे इस चारों पॉइंट में से मुझे एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जो कि, एक ही पॉइंट ढूंढना ऐसा है कि जो कि, मतलब ये मानकर चलो ये अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, ये अल्टीमेट सपोर्ट है, यानी जो हाईएस्ट लेवल या लोएस्ट लेवल, तो मैं किसके बात करूंगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो एक ही पॉइंट पे डिसाइड करता हूं मैं, एक ही लेवल पे। जैसे यहाँ पे चार लेवल बताया था ना आपको, हाई, क्लोज, ओपन, लो, इस तरह मुझे अगर एक ही पॉइंट मुझे डिसाइड करना है कि हाँ ये एक ही लेवल है जो ये चारों के काम करता है, वो होगा मेरा ये हाई और ये लो। देखिए जोन की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरे जोन को कंसीडर कर रहा था, लेकिन मैं जब लेवल की बात कर रहा हूं कि चारों लेवल में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे खास इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, तो ये मेरे लिए दो लेवल है, एक अपर वाला हाई और एक लोअर वाला हाई। तो जैसे आपको बताया था ये एक सपोर्ट जोन है, तो इसको बोलूंगा ये सपोर्ट है, और ऊपर वाला लेवल क्या होगा, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। सबको क्लियर है, यस सर। देखिए जो लोग शांत होकर चुपचाप बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं ना, उनको बताता हूं मैं, अब आपको कुछ बोल नहीं, डाउट तो आप क्लियर नहीं है, जो लोग शांत होकर बैठे हुए हैं तो इसका मतलब डाउट क्लियर नहीं है, सब सॉरी डाउट तो नहीं है कोई, सब क्लियर है। लेकिन जिस दिन मैं पूछने लग जाऊंगा ना आप लोगों को कि एक एक करके, कभी भी मैं किसी दिन रेंडमली पूछ लूंगा किसी एक से कि मुझे बताइए इसका क्या है, और अगर जवाब नहीं दे पाओगे तुरंत मैं रिपोर्ट कर दूंगा क्लास से, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि डाउट लेके यहीं पे क्लियर करके जाओगे आप, तो जब पूछूंगा डाउट है, वो माइक बंद रखा हुआ है, तो लिख लीजिए, चैट बसती है, डाउट नहीं है तो, ये डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कल के डेट में अगर मैं यही चीज में रिवाइज का टाइम जब पूछूंगा मैं, तो मुझे आंसर चाहिए। ओके, यहां से जाओगे तो भाई एक्सपर्ट बन के जाओ, या तो मत ज्वाइन करो क्लास, सीधा हिसाब है, या तो आप सारे क्लियर करके जाओ यहीं से। तो अब ये होता है, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। अब मैंने क्यों रेजिस्टेंस बोला और क्यों सपोर्ट बोला, ये क्लियर है, यस सर। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था, यहां से। ठीक है, अब मेरे को, मैं इसको मिटा देता हूं, ये समझ में आ चुका है।
देखिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट ये बेसिक चीज है, ये समझाना जरूरी था, क्योंकि अभी तो मैंने पीपीटी ओपन करके रखा था समझाने के लिए, बट अभी तो पीपीटी मैंने पीपीटी के आगे थोड़ा मतलब बढ़ा ही नहीं, आगे नहीं गया, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए बताना जरूरी था, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे समझ भी नहीं आएगी चीजें कुछ। तो मैंने क्या बताया था, ये कौन सा है मेरा, ये रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। तो अब जब नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम है, तो जो नेक्स्ट कैंडल जब बनने शुरू हो जाएगी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, ध्यान रखना, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, ग्रीन कैंडल ना, ये क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ या यहाँ कहीं ना कहीं ओपन होगा, ठीक है। ओपन होने के बाद हो सकता है कि नीचे भी जाइए, मैं नीचे भी थोड़ी जाती होगी, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, नीचे जाएंगे या ऊपर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन होगा, ओपन होने से मुझे ये क्लियर हो जाएगा रेजिस्टेंस कहां पर है, उसका रेजिस्टेंस कहां है, सबसे हाई वाले पे, और सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट कहां है, सबसे लो वाले पे, सबसे लो वाले पे। अब वो ब्रेक करके अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेता है और करके क्लोजिंग ऊपर दे देता है, देखो ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग उसने अपसाइड दे दिया, इसका मतलब क्या निकल के आया है, सेकंड कैंडल को देखते हुए बायस नहीं, सेकंड कैंडल को देखते हुए ये क्या निकल के आया है कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी किया है और उसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज भी दिया है, दैट मींस ये क्या है, मेरे बुलिश है, सेंटिमेंट क्या है, बुलिश क्लियर, क्लियर है, ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया, तो दैट मींस ये बुलिश है। तो इस तरह अगर थर्ड कैंडल बनती है, तो थर्ड कैंडल जब बनेगी तो उसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला रेजिस्टेंस होगा और ये उसके लिए सपोर्ट होगा, और ये उसके लिए रेजिस्टेंस होगा, और थर्ड कैंडल यहाँ पे कहीं ना कहीं बनती है, बनने के बाद उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलता है अपसाइड में, तो क्या मैं बोलूंगा, अगेन इट इज ए बुलिश, कैंडल इज बुलिश एंड ट्रेंड जो है वो भी क्या है, ट्रेंड क्या है, वो भी बुलिश है, राइट, क्लियर। तो अब मैं इसको ग्राउंड की अगर बात करता हूँ, कैंडल यहाँ पे देखिए, कैंडल यहाँ पे यहाँ कहीं ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ कैंडल अगर ब्रेक करती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है और क्लोज देती है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये क्या कैंडल है, क्योंकि उसने सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज दे दिया, ठीक है। तो सिमिलरली जो आपको ग्रीन कैंडल की आपको फॉर्मेशन बताया था, अगर मैं रेड कैंडल की फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, कि मानकर चलो ये रेड कैंडल बनती है, पहली कैंडल, ये बीच में कहीं भी कैंडल है, सुबह की कैंडल जो भी है, इस तरह की बनती है, उसके बाद मुझे पता है कि लेवल कौन सा है, ये मेरा होगा रेजिस्टेंस का और ये मेरा होगा सपोर्ट का। अब जब प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ एक इंपोर्टेंट चीज को ध्यान रखना, या तो लिख लो आप नोटपैड पे, यहाँ एक चीज फॉलो करिए, यहाँ पे ये क्लोजिंग प्राइस है, समझ रहे हो, ये क्लोजिंग प्राइस है, और क्लोजिंग प्राइसेस सपोर्ट कितने डिस्टेंस पे है, बहुत ना? पास बहुत में छोटा, पास में है। और पहले केस में क्या था, ग्रीन केस में, जहां पे ओपन होता है नेक्स्ट कैंडल, या जो उसके जहां पे ओपन होता है नेक्स्ट कैंडल, और ओपन कहां पे होगा, जहां पे क्लोजिंग दिया उसी के आसपास तो ओपन होगा ना जी, क्योंकि तो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इससे डिस्टेंस देखिए काफी, देख रहे हो कितने डिस्टेंस पे, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट तक के जो डिस्टेंस काफी कम है, उस डिस्टेंस को अगर उसने ब्रेक कर नहीं करता है और यहीं से वो ऊपर निकल कर, समझ रहे हो कितने बुलिश पावर है उसको, इतना छोटा डिस्टेंस को भी उसने ब्रेक करके क्लोज नहीं दिया, समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रेड कैंडल बन भी जाती है ना, बनने के बाद उसने ब्रेक अगर किया, चलो ब्रेक भी किया, लेकिन उसने अपर साइड में जाके क्लोज दे दिया, समझ लो आप इतने डिस्टेंस को भी उसने ब्रेक करके क्लोज नहीं दिया, इतनी छोटी डिस्टेंस, इसका मतलब ये काफी पावरफुल बुलिश है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, सेकंड कैंडल की पोजीशन, सेकंड कैंडल की कंडीशन, क्लोजिंग ओपनिंग सबको देखते हुए ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये सही में ये बुलिश है कि बियरिश है, ठीक है। एक ही कैंडल ने बता दिया था, क्योंकि उसके पास भाई जब इतने ओपन यहाँ पे होता है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लोजिंग दिया ना उसने प्रीवियस कैंडल में, तो जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है तो उसके पास ब्रेक करने के लिए तो उसको आराम से निकल जाएगा ब्रेक करके, क्योंकि उसका डिस्टेंस ही कम है ना, तो ब्रेक करके अगर क्लोजिंग दे देती है तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया तो ये तो बियरिश है, मुझे प्लीज म्यूट कर दो, यस ये तो बियरिश है,
और उसके बाद इसको भी ब्रेक करके निकल जाए तो ये भी बियरिश हो जाएगा। दैट मीन सपोर्ट को ब्रेक करके निकलता है तो बियरिश है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकलता है तो बुलिश है। बट अगर इतने छोटी डिस्टेंस अगर कम है उसके बावजूद भी ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया ऊपर की तरफ, तो ब्रेक करके ऊपर की तरफ तो क्लोजिंग दे दिया, दैट मीन्स ये सुपर बुलिश। ये हैमर बने नीचे की तरफ, तो विक्स नहीं भी बने तब भी ये सुपर बुलिश या इस तरह की बनती है। यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद नीचे गया और उसके बाद यहाँ पे इस टाइप के बन गई है, ये भी बुलिश है चाहे कैंडल छोटी क्यों ना हो, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं किया। तो एक कैंडल के बेसिस पर नहीं, आपको दो कैंडल से यानी नेक्स्ट कैंडल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बुलिश है, कितना बुलिश है कैंडल के पीछे, ये है लॉजिक। इसको अगर पकड़ लिया तो काम हो जाएगा आपका। तो अब मैं जो समझाने वाला हूं, अगेन उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बना के दिया था इस टाइप का कुछ, ये मेरे लिए था ये रेजिस्टेंस और ये मेरे लिए था सपोर्ट। और मैंने क्या बनाकर दिया था कि यहां पर ओपन कहीं, यहां कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस तरह क्लोज दे दिया है ना, इस तरह कुछ क्लोज दे दिया। तो इसका इस तरह क्लोज देने का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकाल दिया और सपोर्ट को ब्रेक किया क्या, सपोर्ट को किसको ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस। तो मैंने इसको क्या बोल रहा था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं किया, दैट मींस इट इज ए बुलिश सिग्नल। जो साइन है वो क्या है, बुलिश साइन है। तो ये चीज को मैं अगर इसी चीज को मैं अगर मैं घुमा के बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, इसी चीज को मैं अगर घुमा के बात करता हूँ आपसे कि पहले मैंने क्या बताया था कि किसी कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, इसको मैं बोलता हूं बुलिश साइन, सिग्नल बुलिश है। या तो मैं ऐसे कह सकता हूं किसी कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है बट सपोर्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट का मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है, तब भी मैं उसको क्या बोलूंगा, ये बुलिश है। इसको मैं अगर घुमा के बोलता हूं आपको कि कोई भी कैंडल को या कोई भी ट्रेंड को अगर बुलिश उसको होना है, अगर उसको बुलिश होना है, अगर उसको अपसाइड जाना है, तो उसके पैरामीटर कौन कौन से होंगे, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा एंड सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा, राइट? यस सर। मैं एक ही चीज को मैं घुमा के बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले क्या बोला था कि एक कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सपोर्ट को सेव करता है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, सपोर्ट को प्रोटेक्ट करता है, दैट मींस वो बुलिश है। उसी को मैं अगर घुमा के बोलता हूं कि अगर प्राइस को अपसाइड जाना है, अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है, बुलिश होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा एंड सपोर्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या पैरामीटर है, ये होगा, अगर इस तरह होता है तो इसका मतलब प्राइस अपसाइड निकलेगा, दैट मींस अपसाइड जाने के लिए ये दो पैरामीटर उसको जरूरत है, इन दो पैरामीटर को अगर फॉलो करता है तो ये प्राइस अपसाइड जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि ये प्राइस अगर अपसाइड जाना है तो इसको ये दोनों पैरामीटर फॉलो करना ही पड़ेगा। अब बताइए मुझे कोई डाउट है तो। सर एक डाउट था, जैसे ग्रीन कैंडल फर्स्ट वाली, उसके बाद आप बोल रहे हो सौरभ, हां बोलिए, तो उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है बट क्लोजिंग नहीं देता है, ऊपर वापस अंदर आगे क्लोज हो जाता है, हाँ, तो उसे बुलिश बोलेंगे या बियरिश? तो आपको अभी समझाया था ना आपको कि क्लोजिंग देनी चाहिए उसके ऊपर। अच्छा क्लोजिंग देनी चाहिए, अगर सर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज दिया तो बियरिश हो जाएगी? नहीं, अगर मान के चलो काफी ऊपर तक गया और नीचे की तरफ जो क्लोजिंग दे दिया तो अभी बियरिश ही है, अभी बियरिश ही है ना, क्योंकि उसने क्लोजिंग नहीं दिया, ट्राई किया था ब्रेक करके ऊपर निकलने के, बट वो सेलर्स बैठे हुए थे वहां पर, समझ रहे हो, अगर कैंडल के साइज को देखते हुए। हाँ बोलिए। एक विक्स सर आती है और जो अपना सपोर्ट है उसको टच करती है, एक बड़ी सी विक्स आती है और सपोर्ट को टच करती है लेकिन क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर ही होती है, तो वो भी बुलिश ही मानी जाएगी एक तरह से। सपोर्ट को, मैं अगेन बताओ क्या पूछ रहे थे, मतलब सपोर्ट को टच कर देती है, सपोर्ट को प्रोटेक्ट करना है, अगर वो सपोर्ट को टच कर देती है और उसकी क्लोजिंग जो है, उसकी जो क्लोजिंग है वो रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं होती है या उसके ऑलमोस्ट नेक टू नेक होती है, तो उसको बुलिश मानेंगे सर? क्या आप लॉजिक क्या कहता है पहले समझिए, ओपन कहाँ हुआ, पहले बताइए ओपन कहाँ हुआ, इस कैंडल को यहाँ ओपन हुआ,
ठीक है, ओपन होने के बाद नीचे गया, राइट सर, टच यहाँ पे किया, वो बायर्स बैठे हुए थे, यानी जब नीचे की तरफ जा रहा था वो केरला की कलर रेड बन रही थी, रेड कलर की कंडले। राइट सर, उसके बाद अपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और उसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके यहाँ पे नहीं सर, क्लोजिंग नहीं दिया। सर, उसके उसके ऊपर नहीं किया, तो बॉडी फिर के अंदर ही समझिए, अगर वो बॉडी के अंदर ही क्लोज हो गया तो अच्छा बॉडी के अंदर सर, क्लोज हो इनका गया, सर इनका मतलब है इनसाइड बार बनना, साइड कैंडल के जैसा इस तरह बनेगी, है ना, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, इस तरह बनेगी। तो सॉरी ठीक है, मैंने यहाँ पर बायर्स तो थे, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए, मैं समझ रहा हूँ बायर्स बैठे हुए, बट उसने क्लोजिंग नहीं दी ना अभी तक, तो मेरे लिए अभी भी रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, मेरे लिए अभी भी रेजिस्टेंस मान के, जो थर्ड कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, थर्ड कैंडल यहाँ पे बनती है, तो अब भी उसके लिए रेजिस्टेंस कौन सा होगा, क्या इसका हाई रेजिस्टेंस होगा वही कि इसका जो हाई? फर्स्ट, नहीं सर, प्रीवियस एकदम पहली कैंडल, यस, नेक्स्ट चलिए कैंडल अगर अस्सुम यहाँ कर पे लो, थर्ड में अगर यहाँ पर ओपन होती है, लेकिन तब भी यहाँ पर ओपन होती है ना, होने के बावजूद भी मैं उसको रेजिस्टेंस इसको नहीं मानूंगा, मैं रेजिस्टेंस मानूंगा प्रीवियस वाले को, क्योंकि अभी तक उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दिया किसी भी कैंडल ने। सर इसको न्यूट्रल कैंडल मान सकते हैं ना अब मानो ना, न्यूट्रल मानो, कौन कौन माना कर रहा है आपको, न्यूट्रल मानो सर? है ना। अगर ये जो आपने सेकंड कैंडल बनाई है, इसमें अगर इसकी जो लो लो विक है, इसका लो अगर उसको ब्रेक कर दे सपोर्ट को, ठीक है, और फिर वो वापस, हाँ ऐसे ब्रेक करके अब वापस ऊपर चले जाए, और क्लोज ऊपर, मतलब इसका हाई जो है ये ऊपर ही रहे ऐसे, तो फिर ठीक अगर है, फिर इस ये इसका क्या होगा, ये बेयरिश ट्रेंड में आएगा क्योंकि इसने नहीं सपोर्ट तो नहीं ब्रेक देखिए लॉजिक को फिर एक बार मैं आप लॉजिक को समझिए, क्लोजिंग में प्राइस आएगा। नीचे कहां तक गया, यहां तक, हाँ जी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, उसका मतलब क्या है, मैंने पहले सोच रहा था बायर साहब बैठे हुए थे, अब मुझे ये क्या पता चल गया कि बायर से यहां पर भी बैठे हुए हैं, इसका मतलब यही निकला ना कैंडल को देखते हुए, पहले मुझे लग रहा था बायर्स यहाँ पे बैठे हुए थे, अब मुझे ये दिख रहा है कि बायर्स कहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पर भी बैठे हुए थे, क्योंकि प्राइस यहाँ तक आया था नीचे, बट यहाँ पे फिर जंप किया था, दैट मींस बायर्स यहाँ भी बैठे हुए हैं, है ना। हाँ जी, तो अब देखिए बायर जब यहाँ पे बैठे हुए थे, तो ये इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करके गया था, बट क्लोजिंग तो नहीं दिया, दैट मींस बुलिश तो है, इस एंगल से मुझे बुलिश दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए थे, बट जब उसने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, हो सकता है कि ब्रेक इसलिए नहीं किया कि उसको टाइम निकल गया 5 मिनट का, ये भी हो सकता है टाइम निकल गया वो ब्रेक नहीं कर पाया, है ना, जो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले आपको, हाँ यस सर, है ना, ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि टाइम निकल गया उसको, तो अगर टाइम निकल गया तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होनी चाहिए, जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे होगी ओपन, अगर सही में ये बुलिश है तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगा बताओ, वो फिर नेक्स्ट ऊपर कैंडल जाएगी, वो ब्रेक कर देगी बिल्कुल उसको बिल्कुल यस, तब मैं फिर बोलूंगा, अब देखिए जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है ना, अब उसके लिए सपोर्ट क्या होगा, सपोर्ट ये नहीं, सपोर्ट इसके साथ साथ ये लेवल भी होगा, दोनों लेवल होगा सपोर्ट का, से। क्यों, ओके, रीजन क्या है, बायर जोन है हमारा, बायर्स वहां पर भी बैठे हुए थे, लेवल के नीचे भी, अगर मान के चलो ये वाला लेवल अगर 500 का है और नीचे वाला लेवल अगर 500 498 है, दैट मींस ये पूरा जोन, ध्यान रखना ये पूरा जोन जो है ये मेरा बायर जोन हो जाएगा, एक लेवल नहीं है, तो कभी कभार देखते होंगे आपने चार्ट के अंदर, बहुत लोग तो देखे होंगे कि एक बॉक्स बना देते हैं, है ना, एक लाइन ड्रॉ नहीं करते, तो ये हाँ रीजन क्या है, क्योंकि एक लेवल नहीं एक जोन बन चुका है, पहले मेरे को पता था कि एक लेवल था, अब जब उसने नीचे की तरफ गया और उसके बाद ऊपर की तरफ तो क्लोजिंग दे दिया, दैट मींस मेरे बायर्स कहां पर बैठे हुए थे, मेरे बायर जो है पहले यहां पर भी बायर्स थे और अब कहां बायर्स है, अब यहां पर भी बायर्स है, यानी ये पूरा जोन के अंदर बायर्स बैठ गए हैं, है ना, ये पूरा जोन के अंदर कौन बैठा हुआ है, बायस बायर्स बैठे हुए, बायस, तो आप देखिए पहले सपोर्ट पे इसको कर रहा था कंसीडर, अब मैं पूरे जोन को मैं सपोर्ट कंसीडर करूंगा इस पार्टिकुलर केस में, और ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये सिचुएशन कर रहा है, ये सिचुएशन के बेसिस पर मैंने इसको जोन में कंसीडर किया था, पहले मैं लेवल किया था ओनली वन लाइन ड्रॉ की थी मैंने, बट मैं सिचुएशन के ऊपर बेस करके मैंने उसको जोन बना दिया, अब मेरे लिए सपोर्ट का जो जोन है ये पूरा जोन मेरे सपोर्ट का होगा, क्योंकि यहां पर भी बायर्स थे और यहां पर भी बायर्स थे, ठीक है, मैं अगर सिर्फ इसको बायर्स मानूंगा और उसको ब्रेक डाउन दे दिया मैं शॉर्ट कर दूंगा फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि बायर्स नीचे भी बैठा हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, तो ये कहने का मतलब ये है, तो अब अगर मान के चलो जब नेक्स्ट प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ओपन होने के मतलब इसके लिए ये सपोर्ट का जोन है, पूरा जोन सपोर्ट का हो जाएगा, और अगर सही में बुलिश है तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस जो था पुराना उसको ब्रेक करके निकलेगा, जब ब्रेक करके निकलेगा तब मेरे लिए ये कैंडल की हाई
और इस कैंडल के लो और इस कैंडल की हाई अगेन मेरे लिए नेक्स्ट कैंडल के लिए ये मेरा बन जाएगा रेजिस्टेंस और ये मेरा बन जाएगा सपोर्ट। समझ में आया सर? एक और कंडीशन था बाय द वे, सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया और उसके बाद रेसिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज ऊपर दे दिया, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी इसको बोलेंगे। कॉन्सेप्ट आया नहीं? बिगर कैंडल आएगा, वो कॉन्सेप्ट आएगा, वोलेटिलिटी है। दैट मींस वो कोई डायरेक्शन नहीं है। जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है, कोई ट्रेंड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ये वोलेटिलिटी है। तो वो तो बिगर कैंडल बनेगा, डोजी बन जाएगा ना? हाँ, डोजी बन जाएगा, कुछ भी बने, मुझे नहीं पता। मुझे कहने का मतलब वोलेटिलिटी है, उधर भी ऊपर भी ब्रेक कर रहा है, नीचे भी ब्रेक कर रहा है, कहीं वो सेट नहीं हो रहा है, कहाँ जाना चाहता है ये डिसाइड नहीं। मोमेंटम, मोमेंटम कैंडल उसी को बोलते हैं क्या? मोमेंटम, मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम पढ़ाया था आप लोगों को? हाँ नहीं, फर्स्ट क्लास मिस था तो मेरा। तो फिर मोमेंटम पढ़ाया नहीं मैंने, मोमेंटम आया नहीं अभी तक। मोमेंटम अलग चीज है ना, एक कैंडल को डिसाइड, एक कैंडल को देखते हुए आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब होता है अलग, उसका डेफिनेशन अलग है। तो कहने का मतलब है जब ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर रहा है, अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया, यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, मान सकता हूँ क्या बायर से, वो ऊपर भी गया है और वहां से फिर रिजेक्ट हुआ है, डोजी टाइप का बन गया, दैट मींस वो एक इंडिसेंट कैंडल जिसको बोलते हो ना आप, यानी वोलेटिलिटी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि बायर, यानी वहां पर लड़ाई चल रही है सेलर्स एंड बायर्स के बीच में, बायर्स नीचे सपोर्ट कर रहा है, सेलर्स ऊपर से सपोर्ट कर रहा है, तो ये बीच में फंस गया वो, ठीक है। तो ये इस तरह के सिचुएशन को आपको अवॉइड ही करना है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है। तो अभी जो समझाया था आपको कि जो थर्ड कैंडल बन गई थी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी थी, अब जो नेक्स्ट कैंडल है उसके लिए ये रह जाएगा थर्ड कैंडल के हाई रेजिस्टेंस एंड थर्ड कैंडल के लो मेरा हो जाएगा सपोर्ट। इस टाइप के फॉर्मेशन बनते हैं। अब क्लियर है, किसी को डाउट है इस फॉर्मेशन में? एक्सक्यूज मी सर, सर फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल है ना, वो दोनों के बीच में जनरेट हुआ तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आप जो भी कैंडल बनेंगे, ध्यान रखना इस कैंडल के पीछे लॉजिक क्या है, वो आपको आइडेंटिफिकेशन करने है। और ये जो अभी समझाया था ये कैंडल इससे बनती है, ये मैंने ऐसे नहीं बनाया है, किसी ने अभी पूछ रहे थे कि उनके कंडीशन के बेसिस पर मैंने कैंडल बनाया था, ठीक है। तो कहीं पे भी कैंडल बने, दैट मींस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई कैंडल बनती है, ये बन गई कैंडल, चाहे ग्रीन कैंडल हो, तो ये हाई और ये लो मेरे लिए जोन है, ये मेरा बायर जोन है और ये मेरा सेलर जोन है, दैट मींस ये मेरा रेजिस्टेंस है और मेरा ये सपोर्ट है। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो बुलिश होना है तो इसको ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ क्लोज देने पड़ेंगे, अगर उसको बियरिश होने हैं तो उसके नीचे क्लोज देने पड़ेंगे, बट ये ध्यान रखना आपको। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि आपको एक रूल फॉलो कर लेना है। पहला ही है कि अगर नेक्स्ट कैंडल जब बनती है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके सस्टेन, हाँ जिसे ने बताया था, सस्टेन का मतलब होता है वहां पर क्लोजिंग दिया, रुका है वो, ठीक है, ब्रेक करके नीचे आएगा फिर वो मतलब नहीं, वहां पर रुकना चाहिए, ऊपर जाके रुकना चाहिए, सस्टेन करने का मतलब वहां पर रुकेगा। तो ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो ये बुलिश में आएगा, नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो बियरिश में आएगा। यह है पहला कॉन्सेप्ट या पैरामीटर, मान लो बियरिशनेस या बुलिशनेस को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए पहला पैरामीटर ये है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर आएगा, उसके बाद सेकंड पैरामीटर, पहले पैरामीटर को आप याद रखिए, मैं दोबारा पूछूंगा किसी दिन कि किसी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर वो ब्रेक करना चाहिए, अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो बुलिश है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो बियरिश है। सिंपल लैंग्वेज, चाहे वो रेड कैंडल हो, ये वाले रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल, उससे मतलब नहीं है। ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो बुलिश है, नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो बियरिश है। और उसके बाद थर्ड कैंडल भी इस तरह चलती रहेगी, तो इसका मतलब ट्रेंड जो बियरिश है वो कंटिन्यू चलते रहेगा अपना। ये फॉर्मेशन ये है, बेसिक है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने अगेन आपको वही चीज समझा रहा, दोबारा बता रहा हूं आपको, दैट मीन्स मैं इसको घुमा के अगर बोलता हूं कि अगर प्राइस को अप ट्रेंड जाना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा एंड सपोर्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, उस चीज को अगर आप लिख के रखिए। ये है पैरामीटर नंबर वन। सेकंड पैरामीटर है, अगर मान के चलो बीच में जैसे आप बोल रहे हो कि अलग अलग कंडीशन ला रहे हो कि यहाँ पे ओपन होते नीचे गया है, नीचे उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिए, किसी का क्वेश्चन यहाँ आता है यहाँ पे ओपन होता है ऊपर जाके नीचे क्लोजिंग दे दिए, तो फिर पैरामीटर को देखिए कि क्या वो पैरामीटर वन फुलफिल किया है, क्या ऊपर जाके ब्रेकआउट देके सस्टेन किया है, क्लोजिंग दिया है, नहीं, पैरामीटर नहीं है। दैट मींस जो है अभी बुलिश में नहीं कहूंगा, अभी बुलिश नहीं कहूंगा।
बियरिश भी नहीं करूंगा, मैं अब देखूंगा, अब मैं क्या देखूंगा, अगेन समझ लो, पहला पैरामीटर क्या है, क्या बताया था मैंने आपको कि ये कैंडल फॉर एग्जांपल ग्रीन कैंडल बनती है, ये रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। मैंने क्या बताया था कि अगर उसको आफ्टर जाना है, बुलिशनेस होना है, दैट मीन्स प्राइस इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, तो इसका मतलब ये आफ्टर जाएगा और सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। ये है पैरामीटर नंबर वन, दैट मीन्स उसको बुलिश होना है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इसको अगर बियरिश यानी नीचे की तरफ आना है तो रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा एंड सपोर्ट को ब्रेक करेगा। यह पैरामीटर नंबर वन, इसको आप ध्यान देना। सेकंड पैरामीटर की बात करता हूं, ये हो गए कंडीशन, समझ में आ गया दोनों कंडीशन अपसाइड और डाउनसाइड के। आप मान के चलो सेकंड पैरामीटर है भाई, कहीं यहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ गया बट उसने क्लोजिंग नीचे नहीं दिया, अपसाइड ओपन हो गया, तो अलग अलग कंडीशन बन सकती है। चाहे ये बन चुका है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका और इसका जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आपने समझाया था आपको, ठीक है। अगर मान के चलो इस तरह का कुछ बन गया है तो मेरा इसका और इसका कुछ, फिर वो कंडीशन के बेसिस पर कैंडल के शेप साइज जोन कहां पे क्लोज दिया, हाई क्या है, लो क्या है, फिर उसके कंडीशन के बेसिस पर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन डिक्लेयर होगा। क्लियर जी सर? Yes, वो फिर आएगा सेकंड पैरामीटर के अंदर। आपने बोला जब डाउन में बियरिश साइड पे जाएगा तो दैट मींस वो क्लोजिंग जो है वो नीचे जाके ही देगा और सपोर्ट ब्रेक कर देगा, ठीक है। बस यही सर। हाँ ठीक है। हाँ डाउन जाना है तो उसको ध्यान रखना, एक पैरामीटर ये डाउन, अगर उसको जाना है तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, अपसाइड को जाना है तो उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। और ध्यान रखना ये भी बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा बट सपोर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अगर मान के चलो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, फिर वो मतलब नहीं है उसका, फिर वो वोलेटिलिटी में आ जाती है, जो आपको बताया था ना कि ये कैंडल है, ये रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ सपोर्ट है, अगर उसको अपट्रेंड एंड जाना है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, टच भी कर सकता है इस तरह बट वो ब्रेक कभी भी नहीं करेगा, उसको ब्रेक कभी भी नहीं करेगा, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रेक कभी भी नहीं करेगा, ये चीज को ध्यान रखना, क्लोजिंग और ब्रेक में फर्क है। ये ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया और ये ब्रेक करके नीचे ऊपर निकल गया तो वो भी अप्लाई नहीं है, दैट मीन्स ब्रेक कभी नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ऊपर जाना है रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा, नीचे आना है रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, बस इतना है। क्लियर? और अगर दोनों चीजें कर दी उसने, नीचे ब्रेक भी कर दिया और उसने क्लोजिंग ऊपर जाके भी दे दी, दैट मींस हमें वहां पे डिसीजन नहीं लेना क्योंकि वो अब उसको डिसाइड नहीं हो रहा ना, अब उसको नेक्स्ट कैंडल उसके बाद क्या होगा, पहले कैंडल में इस तरह बनती है और सेकंड कैंडल में मान के चलो कुछ इस तरह बनती है कि ठीक है नीचे की तरफ ब्रेक दिया और क्लोजिंग उसने यहां दे दिया या मान के चलो ऊपर जाके दे दिया, तो इस कैंडल के बेसिस पर मैं डिसाइड नहीं करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करूंगा कि नेक्स्ट कैंडल क्या करता है। नेक्स्ट कैंडल अगर मान के चलो इस बार सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होगा, आप खुद सोचिए, मैं आपको बना के देता हूँ दो कंडीशन, खुद मैं आपको बोलूंगा नहीं क्योंकि मैंने काफी बार बोल चुका हूँ, अभी मैं आप लोगों के साथ में तो आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप खुद बताइए कौन बोल रहे हो आप। किशन जोन बनेगा ना यहाँ पे, आप उनको जवाब देने दीजिए आप। ये देखिए ये था पहला है ना, ये था पहला, मैं दो कंडीशन बना के देता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन नीचे हो गया और उसने यहां जाके क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट में नीचे गया ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अब मुझे बताइए, मुझे थर्ड कैंडल जो है यहां पे ओपन हो रहा होगा या थर्ड कैंडल यहां ओपन हो रहा होगा, तो अब आपको क्या लगता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां होना चाहिए? सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देखिए, ये जो रेड कलर के बताया था ये ओपनिंग थर्ड कैंडल की ओपनिंग यहां है ना, ये थर्ड कैंडल की ओपनिंग